మేడిగుట్ట డివిజన్ ముగ్దుం నగర్ బీహారీ బస్తీలోని నిర్వహించిన ఛట్ పూజ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద మాట్లాడుతూ విభిన్న సంస్కృతులకు నిలయంగా హైదరాబాద్లోని ఎంతో పేరు గడించిన ప్రాంతం జగద్గిరిగుట్ట అని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలోని కార్పొరేటర్ కే జగన్తో పాటుగా డివిజన్ ముఖ్య నాయకులు పాల్గొన్నారు. भाइयों बहनों, अभी एमएलए साहब ने आपके सामने वादा किया और ये वादे के मुताबिक एमएलए साहब से हम रोज अभी जैसा बोले एमएलए साहब उनको उनके पीछे हम लगे हुए हैं कि भाई शिव मंदिर छठ घाट कैसे भी कायम करना है. उनके साथ से हम हर दिन रात दिन लगे हुए हैं. वो आज एमएलए साहब आपको वादा किए हैं, लेकिन एमएलए साहब को आपका आशीर्वाद होना चाहिए. ये समय एमएलए साहब को आपका आशीर्वाद होना चाहिए तो जभी पूरी मंदिर तो दोनों बनेंगे. और तीसरी बार मैं चुनाव में जीतने वाला हूँ. आप सबके आशीर्वाद से आने वाले छठ पूजा तक अपना परमानेंट जो मंदिर है छठ घाट है परमानेंट बना लेंगे. हमने ही बना लेंगे बोल के आप सब लोगों को मैं वादा करता हूँ. बस यही बात कहने के लिए मैं आप मेरे को यहाँ पर बुलाया कि हर साल मैं यहाँ पर आता हूँ. मलम पेट वाले मेरे से लड़ ले रहे अपन 5 साल से 6 साल से पूछते एक बार भी नहीं आ रहे हमारे पास. तो मल्लम पेट जा के आ रहा हूँ अभी मैं. हमने विनला गड्ढा के भी एक छठ घाट बनाया. हमने विवेकानंद वाले पूरे वहां पर रहे थे चिंदल में. हम लोग भी लड़ रहे हैं ना एक बार भी नहीं आ रहा. आप ही के बदौलत से आप ही आपको छठ घाट बनाया लेकिन एक बार भी मेरे पास नहीं आया. चलो भाई आपको बजा तो बोल के उन लोगों को कल वादा कर दिया. तो एक ही बार छठ घाट को तो छठ पूजा बोलो तो सही टाइम पर रहना पड़ता. सूर्य उदय सूर्य ये टाइम तो उसी वास्ते 12-13 जाना मुश्किल हो रहा है. उस वास्ते पिछले बार भी आपके पास नहीं आ सका हूँ. अगर मैं आयो नहीं आयो तो भी अपना घाट का तो मंदिर का तो परमानेंट बनाना पक्की है. सब लोग ये बात बोलते हुए सब लोग और एक बार ये न्यू अवसर पर शुभकामनाएं कहते हुए अपने लोकल कॉर्पोरेटर अपने हैट्रिक कॉर्पोरेटर जगन साहब और रशीद भाई और अपने विनु और अपना रुद्र अशोक साहब आके वोट पूछते रहे तो राय पूछे ठीक है ओके राइट. भाई बहनों, अभी एमएलए साहब ने आपके सामने वादा किया और ये वादे के मुताबिक एमएलए साहब से हम रोज अभी जैसा बोले एमएलए साहब उनको उनके पीछे हम लगे हुए हैं कि भाई शिव मंदिर छठ घाट कैसे भी कायम करना है. उनके साथ से हम हर दिन रात दिन लगे हुए हैं. वो आज एमएलए साहब आपको वादा किए हैं, लेकिन एमएलए साहब को आपका आशीर्वाद होना चाहिए. ये समय एमएलए साहब को आपका आशीर्वाद होना चाहिए तो जभी पूरी मंदिर तो दोनों बनेंगे. और तीसरी बार मैं चुनाव में जीतने वाला हूँ. आप सबके आशीर्वाद से आने वाले छठ पूजा तक अपना परमानेंट जो मंदिर है छठ घाट है परमानेंट